सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने कुछ थंबनेल्स दिखाता हूं, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताने वाला हूं कि मैं अपने थंबनेल्स एग्जैक्टली बनाता कैसे हूं। पूरा बिहाइंड द सीन्स लेके जाके मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि मेरा थंबनेल जैसा भी दिखता है वो वहां तक पहुंचता कैसे। सही है, शुरू करें। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अनिल पान, वेलकम टू टीचिंग मंक। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक थंबनेल बनाया था जो कुछ दिखने में ऐसा था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही थंबनेल फिर से स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा। मैं अपने थंबनेल्स टिपिकली कैनवा और थोड़ा बहुत काम जो है मैं इलस्ट्रेटर में करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम स्क्रैच से करके दिखाऊंगा। सही है, अब सीधा मेरे कंप्यूटर पे चलते हैं और बाकी सारी बातें वहीं पे करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे और शुरू करेंगे कैनवा से। मैं टिपिकली अपने सारे थंबनेल्स एक ही फाइल के अंदर रखता हूँ, तो आप देख सकते हो अगर स्क्रॉल करेंगे तो मेरे सारे पुराने अच्छे बुरे सारे टाइप के जो थंबनेल्स हैं वो एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, छोटा सा टिप है, वो ये है कि मैं जब भी एक नया थंबनेल बनाता हूँ तो मैं एकदम बिल्कुल व्हाइट कैनवास से शुरू नहीं करता, एकदम स्क्रैच से शुरू नहीं करता हूं। बल्कि मान लीजिए मुझे अब अगला थंबनेल बनाना होगा तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर दूंगा, यहाँ इस बटन को दबा के इसे ये डुप्लीकेट हो जाएगा और उसके बाद इसमें चेंजेस करता हूँ, टेक्स्ट बदलता हूँ, फेस बदलता हूँ, ग्राफिक्स बदलता हूँ। इससे होता ये है कि आपकी ब्रांड कंसिस्टेंसी रहती है, मतलब ये कि आपका फॉन्ट सेम रहेगा, आपके कलर सेम रहेंगे, आपका प्लेसमेंट सही रहेगा, आपका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो सही रहेगा। जिसके आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी एयरटेल का पोस्टर देखते हो तो सारे के सारे एयरटेल के पोस्टर में वही रेड कलर होता है, वही फॉन्ट होता है, वही डिजाइन लैंग्वेज होता है। उससे क्या होता है कि आपकी ब्रांड कंसिस्टेंसी रहती है, कोई भी आदमी दूर से देखता है तो पहचान लेता है कि ये एयरटेल का पोस्टर है। ठीक उसी तरह अगर आपका एक चैनल है और उसमें कई सारे थंबनेल्स हैं, वो सारे थंबनेल्स अगर एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, मतलब एक ही डिजाइन फैमिली के होंगे, तो वो ब्रांडेबल लगेंगे और कभी भी अगर कोई इंसान आपके थंबनेल का एक कॉर्नर भी देख लेता है तो वो दूर से पहचान लेगा कि आपका थंबनेल है। तो ये एक चीज मैं करता हूं कि मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं और उसके ऊपर उसमें चेंजेस करता हूं, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि एकदम स्क्रैच से दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और एक ब्लैंक कैनवास ओपन कर लेते हैं ऐड पेज दबा के, ठीक है। तो ये हो गया एक ब्लैंक पेज। अब अगली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि मेरे हर थंबनेल के ना चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो है बैकग्राउंड, जो आप देख सकते हो कि ये वाला बैकग्राउंड है, ठीक है। और उसके बाद ये इमेज होता है जो मेरा फेस रखना है, ये मेरा डिसीजन था, आप शायद फेस ना दिखाना चाहें, बट एक मेरा दूसरा कंपोनेंट होता है फेस का, तीसरा कंपोनेंट होता है ये टाइपोग्राफी का और चौथा कंपोनेंट होता है ये डिजाइन एलिमेंट, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स है, एक बैकग्राउंड, एक मेरा खुद का फेस, तीसरा टाइपोग्राफी और चौथा जो है कोई ग्राफिक एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड बनाते हैं। बैकग्राउंड के लिए हमें चाहिए होगा एक इमेज, तो आप कहीं से भी किसी भी फ्री स्टॉक इमेज वाली वेबसाइट से आप कोई इमेज ले सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो सर्च करता हूँ और ये एक वीडियो की इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ ए नाम से डेस्कटॉप पे, ठीक है। और इस ए वाली इमेज को मैं अपने अपलोड सेक्शन में अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी इमेज जो है कैनवस पे आ जाएगी। आपको इसका कलर चेंज करना होगा क्योंकि ये एज अ बैकग्राउंड सही नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इसको बैकग्राउंड बनाने से पहले। तो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर एडिट इमेज बोलेंगे और फिर स्क्रोल डाउन करेंगे जहां आपको दिखेगा डुओटोन। डुओटोन का मतलब है कि एक या दो कलर से जो है आपका वो कलर, आपका जो डिजाइन है वो ढक दिया जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल करेंगे, आपको ये अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, मैं फिलहाल के लिए ये सी ब्लू ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सी ब्लू हो गया, ठीक है। साथ में मैं चाहता हूँ कि इसका जो पीछे का कलर है इसको मैं ब्लैक कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। पीछे वाला जो कैनवास हो गया उसको कर दिया ब्लैक और इसको कर दिया ऐसे, और इसके बाद हम इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देंगे ताकि ये डार्क सा लगे, ठीक है। और उसके बाद इसको भर देंगे और छोड़ देंगे, छोड़ते आप देखोगे कि ये बैकग्राउंड तैयार है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। अगली चीज जो हमें करनी है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता देता हूँ। टाइपोग्राफी दो वर्ड से आता है, टाइपो और ग्राफी। टाइप मतलब जो आप टेक्स्ट टाइप करते हो वो, और ग्राफी का मतलब विजुअल, मतलब जो ग्राफिकली जो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। मतलब ये कि आपने गौर किया होगा कि कई बार कोई टेक्स्ट जो है वो अगर आप लिखते हो ना तो दिखने में सुंदर नहीं लगता, लेकिन कोई दूसरा टेक्स्ट बहुत सोच समझ के लिखा जाता है कि कौन सा फॉन्ट होगा, दूसरा टेक्स्ट है उसके साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉन्ट सही लगेगा, एक फॉन्ट का साइज क्या होगा, दूसरे फॉन्ट का साइज क्या होगा, इस सब कुछ चीजों को डिजाइन करके जो एक टेक्स्ट बनाया जाता है जो दिखने में आंखों को अच्छा लगे, सुंदर लगे, अपीलिंग लगे, उसको कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। तो मुझे टाइपोग्राफी नहीं आती लेकिन कैनवा को आती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टिपिकली मैं कैनवा में जाता हूँ और जो भी मुझे अपने वीडियो के लिए टाइटल लिखना
है, मान लेते हैं कि मेरा एक लंबा सा सेंटेंस है जिसमें चार पांच नॉट सो इम्पॉर्टेंट वर्ड है और दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक ऐसा टाइपोग्राफी ढूंढता हूँ जिसमें तीन चार वर्ड की जगह हो और दो वर्ड इंपॉर्टेंट वाले जो है वो बड़े दिखाई दे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेक्स्ट है, दूसरा टेक्स्ट है, तीसरा टेक्स्ट है, ये टाइपोग्राफी नहीं है, ये बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट है जो आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर डालोगे कुछ लिखोगे तो इतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप इसको ले लोगे तो आप देखोगे कि ये डालते ही कितना सुंदर लग रहा है। ये इसलिए सुंदर लग रहा है कि किसी ने इसको डिजाइन करते हुए सोचा है कि ये जो टेक्स्ट है ऊपर का वो कौन से फॉन्ट का होना चाहिए, नीचे वाला टेक्स्ट कौन से फॉन्ट का होना चाहिए, ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो किस साइज का होना चाहिए, नीचे वाला टेक्स्ट किस साइज का होना चाहिए, ये दोनों का फॉन्ट एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में जाने चाहिए। ठीक है, ये सब सोच के किसी ने बनाया है। अब अगर मैं इसके साथ छेड़खानी करूंगा, ज्यादा छेड़खानी करूंगा, जैसे कि मैं आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे तीन वर्ड्स लिखने की जगह है, कोल्ड, स्मूथ एंड टेस्टी, मतलब अगर मेरे को एक ऐसा थंबनेल बनाना है जिसमें तीन वर्ड है फिर तो ठीक है, चार वर्ड है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा इसको छेड़खानी कर देता हूं तो इसकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें टाइपोग्राफी ढूंढते वक्त ऐसी टाइपोग्राफी ढूंढनी है जो हमारे हेडलाइन के साथ मैच करती हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने यही वाला टाइपोग्राफी यूज किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें मैंने क्या किया है, इसको मैंने अनग्रुप कर दिया है और अनग्रुप करके इसको लंबा कर दिया है और इसमें लिख दिया है मोनेटाइज फास्टर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एक लाइन में लाएंगे और इसको ऐसे छोटा कर देंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा ये हेडलाइन डाल देंगे, क्योंकि इनका जो फॉन्ट कॉम्बिनेशन है ये अच्छा जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 learnings दैट विल मेक योर। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसको ऐसे रखेंगे ताकि दोनों की जो विड्थ है वो सेम हो, और इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा हेडलाइन टाइपोग्राफी। ठीक है, अब ये दिखने में सुंदर लग रहा है। अब मैं ये हिंदी में जो पार्ट है इसको सीधा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारा हेडलाइन बन गया, ये हमारा बैकग्राउंड बन गया। अब लेके आ जाते हैं फेस। अब फेस के लिए जो मैं अपना फेस डालता हूँ वो बेसिकली जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो शुरू करते वक्त मैंने एक फोटोशूट किया था और उस फोटोशूट में जितने पॉसिबल एक्सप्रेशन है ना वो सारे एक साथ खींच लिए थे और उसको खींच के मैंने एक लाइब्रेरी बना ली, उसको मैं कहता हूँ एक्सप्रेशन लाइब्रेरी। मतलब आपके फेसेस के जितने पॉसिबल एक्सप्रेशन है ना वो एक बार ही शूट करके आप अपने कंप्यूटर पर एक फोल्डर बना लो और उसमें सारे एक्सप्रेशन रख लो। हर वीडियो के लिए जब आपको एक थंबनेल की जरूरत होती है तब आप वहां से कोई भी इमेज चूज कर लो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वाला एक्सप्रेशन लाइब्रेरी कैसा दिखता है। तो मैं नया फाइंडर खोलता हूँ, ये है अनिर्बान एक्सप्रेशन लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें जाएंगे तो आप देखोगे कि ये फोटोशूट 1 है जिसमें बहुत सारे फोटोज खींचे हुए हैं। मैं आपको शॉर्ट में ये दिखा देता हूँ कि ये इस तरह मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींच लिए थे एक प्लेन दीवार के अगेंस्ट, और ये कोई बहुत फैंसी कैमरा नहीं था, मेरा 10,000 का एक स्मार्टफोन था जो कि बहुत ही बजट कैमरा था, उससे मैंने ये खींचा था और दीवार जो है मेरे पीछे थी। ठीक है, तो उस तरह से मैंने इनको खींच लिया था और खींचने के बाद एक टूल की मदद से मैंने इन सबके बैकग्राउंड रिमूव कर दिए। ठीक, तो बैकग्राउंड रिमूव को बल्क में करने के लिए एक टूल आता है, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे फोटोज खींच लेने और बल्क में जाके एक झटके में सारे फोटोज में से उनका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। तो फिलहाल के लिए हम ये वाला इमेज ले लेते हैं, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरा इमेज अपलोड हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। अगर आप देखो तो ये फोटोग्राफ ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि डल डल सा है, मतलब सही से लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा निखर के आए उसके लिए आप इसको एडिट इमेज कर सकते हो। मुझे दो काम करने हैं, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है और इसका फेस जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और उसको थोड़ा निखर के आना चाहिए। ऐसा करना है कि आप जब इमेज को क्लिक करते हो और एडिट दबाते हो तो यहाँ पे आ जाता है शेडोज। शेडोज को क्लिक करना है, ग्लो को दबाना है, ग्लो को दोबारा दबाना है। इसका कलर मेरा ब्रांड कलर में मैं काफी येलो यूज करता हूं तो मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। ब्लर को 0 कर देना है, ट्रांसपेरेंसी को 100 कर देना है और साइज को थोड़ा बड़ा मतलब जैसे कि 7 pixel का कर देना है। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया। उसके बाद आपको अप्लाई दबाना है। अप्लाई दबाने के बाद आपका ये काफी हद तक काम हो गया। अब इस चेहरे को थोड़ा निखर के आना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, फिर से एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है और थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाना है। ठीक है, अब आप देखो ये इमेज काफी ज्यादा निखर के आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे बड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा कर दूंगा जितने में काम चल जाए अपना। ठीक है, तो इतना बड़ा कर दूंगा। अब आते हैं फाइनल पार्ट पे कि डिजाइन एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने डिजाइन एलिमेंट ये यूज किया हुआ है कि ये कर्व्ड कॉर्नर वाला एक स्क्वायर है जिसके अंदर मैंने ये इमेज डाल रखी है। ठीक है, ये इमेज बहुत ही सिंपल मैंने कहीं गूगल से उठाया था या कहीं से तो उठाया था, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इमेजेस में जाएंगे, इस वाले इमेज को सेम इमेज कहेंगे और इसको
बी के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, अब इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के लिए बी को लेके जाएंगे और अपलोड पे ड्रैग करके छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम छोड़ देंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये कर्व्ड कॉर्नर के अंदर आए, एक रेक्टेंगल हो जिसके चारों तरफ कर्व्ड कॉर्नर। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेम। तो फ्रेम्स के लिए आपको एलिमेंट्स में जाना है और आप यहाँ पे स्क्रोल डाउन करोगे तो देखोगे फ्रेम्स लिख के आ रहा है। फ्रेम्स का बेसिकली मतलब होता है कि एक ढांचा, एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर आप ढांचा बिठा देते हो और उसके अंदर आप कोई भी इमेज उसके अंदर ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला ले लूंगा। आप देख सकते हो कि ये एक फ्रेम है, रेक्टेंगल है, और इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर जो भी इमेज डालूंगा वो इसके अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम फिर से अपलोड्स में जाएंगे और ये इमेज जो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया था इसको इसमें प्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये इमेज अब प्लेस हो गई है। फाइनल एक छोटी सी चीज रह जाती है, छोटी है, थोड़ा सा करने में मेहनत लगती है, तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे थंबनेल्स को स्पाइस अप कर लेती है, जैसे कि ये इमेज है। ठीक है, ये जो छोटा सा आप देख रहे हो ये है, फिर आप अगर मेरे इस थंबनेल में ये वाला देखोगे, ये वाला पार्ट है, या फिर आप ये वाला पार्ट देखोगे, तो ये कई सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कई बार हमारे थंबनेल को काफी अट्रैक्टिव बना देती है। तो ये कैसे करते हैं? ठीक है, ये मैंने Adobe Illustrator में किया था। मुझे Adobe Illustrator नहीं आता है, ठीक है, मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे Adobe Illustrator का एकदम जो बेसिक्स होता है ना, जो आप एक घंटे में सीख सकते हो, इतनी बेसिक Adobe Illustrator मुझे आता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले freepik.com से मैं एक वेक्टर फाइल डाउनलोड करता हूँ। वेक्टर फाइल का मतलब क्या होता है? वेक्टर फाइल का मतलब होता है एक ऐसा फाइल जिसको अगर आप बड़ा करो तो वो पिक्सेलेट नहीं होता, वो ब्लर नहीं होता, वो बिल्कुल कटाकट दिखता है। चाहे आप उसका कितना भी बड़ा कर दो, चाहे आप एक होर्डिंग के ऊपर उसको लगा दो, वो फिर भी कटाकट एकदम शार्प दिखेगा, ब्लर नहीं होगा। ठीक है, उसको कहते हैं वेक्टर फाइल। अब वेक्टर फाइल का चक्कर ये है कि वेक्टर फाइल आपके फोटोशॉप में नहीं खुलता है। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए होता है Adobe का Illustrator या कोई भी वेक्टर एडिटिंग टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे फास्ट टाइमर। क्यों फास्ट टाइमर? क्योंकि हमारा जो थंबनेल है वो है मोनेटाइज फास्टर, मतलब फास्ट हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो कोई ऐसा सिमिलर सा इमेज हमें चाहिए होगा जो फास्ट करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये इमेज देखी, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ये छह के छह इमेजेस हैं, ये छह के छह इमेजेस एकदम फ्री टू यूज है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये वेक्टर फाइल है, मतलब आप इसको सीधा डाउनलोड करके अपने कैनवा में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसको पहले थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा Illustrator। ठीक है, तो डाउनलोड का बटन दबाएंगे, डाउनलोड बोलेंगे और सी के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। आप देखोगे कि सी नाम का एक फाइल नहीं बल्कि एक जिप फाइल बन गई है, जिसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी फोल्डर आ गई है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स है। हमें जिस फाइल से मतलब है वो है EPS। ये सुनने में थोड़ा सा ना आपको गीकी लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लो क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, एक बार आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो EPS फाइल, ये वाली जो फाइल है ये हमें चाहिए, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद Illustrator बोलेंगे। जैसे हम Illustrator में आते हैं तो आप देखोगे कि हमारा डिजाइन हमारे सामने तैयार है। यहाँ पे अगर आप इसको पकड़ के इधर उधर मूव करो तो ये मूव होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल सी करेंगे और एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू, 1000 pixel by 1000 pixel का होगा, और इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद अगर आप इसको ऐसे कॉर्नर में रख के शिफ्ट दबा के इसको बड़ा करो तो आप कितना भी बड़ा करो इसका इमेज बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमें इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। पहली बात तो ये टेक्स्ट हमें हटाना है। अब आपको समझना है कि वेक्टर फाइल ना कई बार ग्रुप, मतलब एक ग्रुप, जैसे हमारे फोल्डर्स होते हैं ना, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, तो वैसे होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर अंदर जाना है ग्रुप के तो आपको डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक नहीं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे आके मैं इसको डिलीट दबाऊंगा तो पूरी इमेज डिलीट हो जाएगी, हमें नहीं करना है ऐसा। हमें क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आप देखोगे लेयर वन के अंदर ग्रुप, उसके अंदर हम आ गए। ठीक है, अब अगर आप इसको क्लिक करोगे और डिलीट करोगे तो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, हमें तो टेक्स्ट चाहिए नहीं था। ठीक है, अब अगर हमें ये पर्टिकुलर इमेज चाहिए, आप देखोगे कि ये अगर मूव कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक साथ मूव हो रहा है। ठीक है, और इसका आप ऐसे डायरेक्टली कलर भी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, फिर से डबल क्लिक करना है। यहाँ पे लेयर वन, उसके अंदर ग्रुप था, अब अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि लेयर वन के अंदर ग्रुप और उस ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अगर अब आप इसको घुमाओगे तो आप देख सकते हो कि अलग जो है ये अलग से मूव हो रहा है। अब चाहो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, और मुझे इसको करना है अपने ब्रांड कलर यानी कि येलो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा एक कलर ले लेता हूँ और ऐसे छोड़ देता हूँ। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसका भी कलर जो है लाइट येलो कर देता हूँ। ठीक है, लाइट येलो। ठीक है, अब जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो आप देखोगे कि इसका इमेज का बाकी ये जो ऑरेंज है मैं इसको रखे रहूंगा क्योंकि ये दिखने में काफी कूल लग रहा है, जैसे कि आग निकल रही है उसमें से। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हमें सेव करने के लिए एक्सपोर्ट दबाना है, एक्सपोर्ट एज बोलना है,
पीएनजी होगा और इसका नाम हम रख देंगे डी, ठीक है, इसका नाम रख देंगे डी और डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। तो आप देखोगे कि मेरा डेस्कटॉप पे आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब सीधा हमारे थंबनेल में जाना है, मतलब कैनवा में जाना है और उस इमेज को वहां पर डाल देना है जो कि हमने अभी बनाया था, ठीक है। तो डी को लेंगे, यहाँ पे अपलोड में अपलोड करेंगे और क्लिक करके सीधा इसको छोटा करेंगे और छोटा करके टेढ़ा करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हो कि मेरा थंबनेल बनके एकदम तैयार हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने सारे थंबनेल्स बनाता हूँ। आप जितने थंबनेल्स देखते हो सब मोर और लेस इसी प्रोसेस में होते हैं, चार पार्ट होते हैं, एक एक करके मैं सारी चीजें डाल देता हूँ और थोड़ा सा जो है कहीं पर मुझे फ्लिपिक से वेक्टर डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा जो है Adobe Illustrator में कलर और बैकग्राउंड हटाना ये सब मैं करके मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और मेरा थंबनेल बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में बताने लायक इतना ही है, थोड़ा सा लंबा है वीडियो क्योंकि मुझे आपको सारा प्रोसेस बिहाइंड द सीन दिखाना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और ऐसे कई सारी वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।